काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेली प्राइम के इस अध्याय में आप जानेंगे नया वाउचर टाइप क्रिएट करना और उस पर वाउचर क्लास लगाना। साथ ही बताएंगे कि वाउचर क्लास का उपयोग करके आप परचेज और सेल्स बिल को बनाने में लगने वाले समय को कैसे कम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही उपयोगी वीडियो है और इसे अच्छे से समझने के लिए अंत तक ध्यान से जरूर देखें। यहाँ हम आपको अपना एक सेल्स बिल बता रहे हैं और इसी बिल के आधार पर हम कुछ अन्य बातों के साथ वाउचर क्लास के उपयोग के बारे में बताएंगे, जिससे आप वाउचर बनाते समय अपना कीमती समय बचा सकें। ध्यान से देखिए, यदि आपको इसी टाइप का एक सेल्स बिल किसी कस्टमर को बनाकर देना हो तो आपको एक एक करके किस क्रम में पूरा वाउचर बनाना होगा देखते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टेली पर हैं। वाउचर के लिए वी प्रेस करेंगे। अब सेल्स वाउचर के लिए F8 प्रेस करेंगे। ये देखिए कर्सर तारीख पर आ रहा है। वाउचर बनाने के लिए सबसे पहले हम तारीख बदलते हैं। अब मान लीजिए हम किसी एक ही तारीख में 100-200 या इससे ज्यादा बिल बनाने वाले हैं तो हमें उन सभी की तारीख बदलने की जरूरत तो होती नहीं है, पर फिर भी हमारा कर्सर हर बार तारीख के फील्ड पर आ जाता है और फिर हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब हम एक ही तारीख में बिल बनाने वाले हैं, यानी हमें तारीख बदलने की जरूरत नहीं है, तो हमारा कर्सर हर बार तारीख फील्ड पर आए ही क्यों? उसकी जगह यदि ऐसा हो कि हम वाउचर ओपन करें और कर्सर तारीख के बजाय सीधे पार्टी अकाउंट नेम पर आ जाए तो समय तो बचेगा पर बहुत थोड़ा सा। पर जब हम दिन में 100-200 या इससे ज्यादा बिल्स बनाने वाले हैं तो जरूर कुछ समय बचेगा। आइए पहले हम ये सेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम F12 की प्रेस करेंगे। अब शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे और इसे यस कर देंगे। ऐसा करते ही कुछ और ऑप्शंस दिखाई देंगे। हम डाउन एरो की से नीचे जाएंगे। यहाँ स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन ऑप्शन दिखाई पड़ेगा जो कि अभी नो है। हम इसे यस कर देंगे और इस विंडो को सेव कर लेंगे। आइए अब फिर से वाउचर ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए अब कर्सर डेट फील्ड पर न जाकर सीधे पार्टी अकाउंट नेम पर आ रहा है, यानी एक स्टेप कम हो गई है। अब हमें जब भी किसी दिन का पहला बिल बनाना होगा हम एक बार F2 की प्रेस करके तारीख बदल देंगे और अब हम कितने भी बिल्स बनाए तारीख पर कर्सर नहीं आएगा। अब हमें सिलेक्ट करना होगा पार्टी अकाउंट नेम। यहाँ पर तो बहुत ही कम लेजर्स दिखाई पड़ रहे हैं, पर मान लीजिए यहाँ 500 या 1000 लेजर्स हों, जिसमें सप्लायर्स के लेजर्स भी होंगे, कस्टमर्स के लेजर्स भी होंगे और इनके साथ ही अन्य और कई लेजर्स भी दिखाई पड़ेंगे। ऐसे में मान लीजिए आपको कोई ऐसा लेजर सिलेक्ट करना हो जिसका नाम आपको ठीक से याद नहीं आ रहा हो तो आपको इन 500 या 1000 लेजर्स में उसे ढूंढने में बहुत समय लगेगा। लेजर ढूंढने में कम समय लगे उसके लिए यहां से हम ऐसे लेजर्स हटा सकते हैं जिनकी हमें सेल्स वाउचर में जरूरत नहीं होती है और सिर्फ ऐसे लेजर्स ही यहां पर रखें जिनकी हमें यहां जरूरत होती है, जैसे कस्टमर्स के लेजर्स, कैश और बैंक के लेजर्स। और इस तरह से जब यहाँ लेजर्स कम होंगे तो आप इस लिस्ट में से कम समय में अपनी जरूरत का नाम ढूंढ सकेंगे। अनावश्यक लेजर्स हम वाउचर क्लास की सहायता से हटा सकते हैं, ये हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे। अभी हम आगे बढ़ने के लिए दीपक ट्रेडर्स का लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमें सिलेक्ट करना होता है सेल्स अकाउंट। वाउचर क्लास बनाने से हमें इसे भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद हम कस्टमर को जो आइटम बेच रहे होते हैं एक एक करके उन्हें सिलेक्ट करना होता है। ध्यान दें ये आइटम हर बिल में अलग अलग ही होंगे। हम यहाँ पर सैंपल बिल के अनुसार दो आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं।
आइटम सेलेक्ट करने के बाद अब हमें बिल के अनुसार ये सभी लेजर्स भी एक एक करके सिलेक्ट करना होंगे। यहाँ बिल में आप जो डिस्काउंट, एडिशनल चार्जेस जैसे पैकिंग चार्जेस, फ्रेट और राउंडिंग ऑफ के लेजर्स देख रहे हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं और इनका उपयोग किस तरह से करते हैं, उस बारे में हम आपको इसके पहले वाली वीडियोस में डिटेल में बता चुके हैं। वाउचर क्लास बनाने से ये लेजर्स आपको वाउचर बनाते समय सिलेक्ट करना नहीं होंगे, ये आपको पहले से ही वाउचर में दिखाई पड़ेंगे। बस आपको फिल इन द ब्लैंक की तरह इनमें परसेंटेज या अमाउंट डालना होगा, वो भी इसलिए क्योंकि हम हर बिल में ये सभी अमाउंट एक जैसे तो रखते नहीं हैं, ये अलग अलग ही होते हैं। इसके बाद हमें CGST और SGST के लेजर्स या हो सकता है इनके स्थान पर IGST का लेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। वाउचर क्लास बनाने के बाद ये भी हमें सिलेक्ट करना नहीं होंगे, ये जरूरत के हिसाब से अपने आप आ जाएंगे और टैक्स भी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। और सबसे आखिर में है राउंड ऑफ, इसका लेजर भी हमें सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ये लेजर भी अपने आप यहां पर आ जाएगा और बिल का अमाउंट भी राउंड ऑफ हो जाएगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वाउचर क्लास बनाने से हमें वाउचर बनाते समय मुख्य रूप से सिर्फ पार्टी नेम और आइटम्स के अलावा कुछ भी सिलेक्ट करना नहीं होगा, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टैली ने वाउचर क्लास को मुख्य रूप से परचेज और सेल्स वाउचर को बनाने में लगने वाले समय को कम करने और वाउचर को सरल और आसान तरीके से बनाने के लिए ही दिया है, और इस वाउचर क्लास को बनाना भी बहुत आसान है। आइए देखते हैं नया वाउचर टाइप क्रिएट करना और उस पर वाउचर क्लास लगाना। यहाँ नए वाउचर टाइप का मतलब है टैली में पहले से ही बने हुए रिसीट, पेमेंट, सेल्स, परचेज इत्यादि वाउचर्स की तरह ही कोई नया वाउचर बनाना। उसके लिए हम सी प्रेस करेंगे। यहाँ अकाउंटिंग मास्टर्स में वाउचर टाइप पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। वाउचर टाइप क्रिएशन स्क्रीन आएगी। यहाँ नेम में हम जिस नाम से नया वाउचर टाइप बनाना चाहते हैं वो नाम टाइप करेंगे। हम नाम दे रहे हैं GST सेल्स, आप अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर के आगे हमें लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में से वो नाम सिलेक्ट करना है जिस टाइप का वाउचर हम बनाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, ये उन वाउचर्स के नाम हैं जो टैली ने हमें पहले से ही बनाकर दिए हैं। इसमें से हम जो भी वाउचर टाइप सिलेक्ट करेंगे नया वाउचर बाय डिफॉल्ट उसी के अंदर बनेगा। हम सेल सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम ये वाउचर सेल्स के लिए ही बना रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए सीधे नेम ऑफ क्लास पर आ जाएंगे। हम जिस नाम से वाउचर क्लास बनाने वाले हैं यहाँ उसका नाम टाइप करेंगे। हम GST सेल्स ही टाइप कर रहे हैं, आप अपनी जरूरत अनुसार कोई दूसरा नाम भी टाइप कर सकते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए एंटर प्रेस करते ही वाउचर टाइप क्लास की स्क्रीन आ रही है, इसमें सबसे ऊपर क्लास का नाम भी दिखाई दे रहा है। हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये वाउचर हम सेल्स के लिए उपयोग करने वाले हैं, इसलिए डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस फॉर ऑल आइटम्स इन इनवॉइस के नीचे लेजर नेम में सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अब हम एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज में लेजर नेम पर आ गए हैं। यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स देखने के लिए स्पेस बार प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हम एडिशनल लेजर्स जैसे डिस्काउंट, पैकिंग चार्जेस, फ्रेट, CGST, SGST, IGST और राउंड ऑफ इत्यादि जो भी यहाँ ऐड करना है वो सब एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इन सभी लेजर्स को कैसे बनाते हैं और इनका क्या उपयोग है ये हम आपको इस वीडियो के पहले वाली वीडियोस में डिटेल में बता चुके हैं। तो आइए एक एक करके हम अपनी जरूरत के सभी लेजर्स यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ध्यान रखें आपको जिन लेजर्स की जरूरत हो उन्हें ही सिलेक्ट करें और जिनकी जरूरत ना हो उन्हें छोड़ दें। सबसे पहले हम डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स सिलेक्ट कर रहे हैं।
ऐसा करते ही एक छोटी विंडो कैलकुलेशन मेथड्स के नाम की आ रही है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें से हम आपको डिस्काउंट के लिए जो उपयोगी हैं वो समझा देते हैं। यदि आप सभी बिल में किसी निश्चित प्रतिशत से डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ ऑन टोटल सेल सिलेक्ट कर लें। इसके बाद वैल्यू बेसिस वाले कॉलम में हम जिस प्रतिशत में डिस्काउंट देना चाहते हैं वो माइनस लगाकर टाइप कर देंगे। जैसे हम सभी बिल में 2% से डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ -2% टाइप करेंगे। इसके बाद राउंडिंग मेथड में नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसा कि अभी हमने बताया, यदि हम इस तरह करते हैं तो जब भी हम कोई सेल्स बिल बनाएंगे ऑटोमेटिकली 2% डिस्काउंट बिल में कम हो जाएगा। हम बिल में ऐसे किसी निश्चित परसेंट से डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, इसलिए बैक स्पेस से वापस आ गए हैं। दूसरा है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि सभी बिल के लिए हमारा कोई एक डिस्काउंट निश्चित नहीं है। इसका निर्णय हम अपनी जरूरत के हिसाब से हर बिल में ही करेंगे। अब हम एंटर प्रेस करते हुए अगली लाइन में आ गए हैं। यहां हम पहले की तरह पैकिंग चार्ज और फ्रेट के लेजर सिलेक्ट कर लेंगे और इन दोनों में भी कैलकुलेशन मेथड में एज यूजर डिफाइंड वैल्यू ही सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें, यदि आपको कोई नया लेजर ऐड करना है जो कि बना हुआ नहीं है तो आप यहीं ऑल्टर और सी कीज को प्रेस करके उसे बना सकते हैं। अब हम CGST का लेजर सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने CGST सिलेक्ट किया, टाइप ऑफ कैलकुलेशन में GST अपने आप आ गया है, यानी टैली को मालूम है कि यहाँ GST कैलकुलेट करना है। और इसी तरह हम SGST और IGST के लेजर भी सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे आखिर में हम राउंड ऑफ का लेजर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कैलकुलेशन मेथड में से एज टोटल अमाउंट राउंडिंग सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम बिल के टोटल अमाउंट को राउंड ऑफ करना चाहते हैं। अब यहाँ लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड में से नॉर्मल राउंडिंग सिलेक्ट कर लेंगे और राउंडिंग लिमिट में 1 टाइप करेंगे। राउंड ऑफ के बारे में हम डिटेल में अपनी वीडियो 89 में बता चुके हैं। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे और इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब हम अपने ही प्रदेश के एक कस्टमर दीपक ट्रेडर्स का इसी तरह का एक सेल्स बिल बना लेते हैं। उसके लिए पहले हम V प्रेस करेंगे, फिर F8 प्रेस करेंगे। ये देखिए, चेंज वाउचर टाइप की स्क्रीन आ रही है जिसमें हमें लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप में 2 नाम दिखाई पड़ रहे हैं। एक सेल्स वाउचर है जो अभी तक हम उपयोग करते आए हैं और दूसरा वो है जो अभी हमने GST सेल्स का बनाया था। हम इस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा करते ही वाउचर क्लास लिस्ट आ गई है। इसमें यदि हम नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेंगे तो सेल्स का सामान्य वाउचर ओपन हो जाएगा। हमें GST सेल्स क्लास चाहिए, इसलिए हम GST सेल्स पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा करते ही हमारे सामने GST सेल्स वाउचर ओपन हो गया है और इसमें वाउचर क्लास के सामने GST सेल्स भी लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहले हम पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना होता है, पर हमने वाउचर क्लास बनाते समय ही सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए अब यहां उसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम आइटम्स सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने वाउचर क्लास बनाते समय जो लेजर्स ऐड किए थे वो सभी यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से कुछ के आगे तो अपने आप अमाउंट भी कैलकुलेट होकर आ रहा है और कुछ में हमें डालना होगा। हम एक एक करके डिस्काउंट, पैकिंग चार्ज और फ्रेट का अमाउंट टाइप कर रहे हैं।
ये देखिए, जैसे जैसे हम कोई अमाउंट डाल रहे हैं, यहाँ CGST और SGST का अमाउंट अपने आप चेंज हो रहा है। इस बिल में CGST और SGST इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बिल हमारे ही प्रदेश यानी इंट्रा स्टेट सेल का है, जिसे हम लोकल सेल भी कहते हैं। ये देखिए, यहाँ राउंड ऑफ का लेजर अपने आप आ रहा है और इसने बिल अमाउंट को भी राउंड ऑफ कर दिया है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ एक वार्निंग आ रही है। इसका कारण ये है कि सेल्स वाउचर में हम ये रेफरेंस नंबर पहले उपयोग कर चुके हैं। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में समझाएंगे। अभी हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। अब इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। अभी हमने जो बिल बनाया उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए, प्रिंट प्रीव्यू में वाउचर क्लास लिखा हुआ नहीं है। ये नॉर्मल सेल्स बिल की तरह ही है और बिल बनाते समय हमने CGST और SGST के लेजर्स के साथ IGST का लेजर भी देखा था, पर इसमें IGST का लेजर नहीं है क्योंकि जिस लेजर के आगे अमाउंट नहीं होता वो प्रिंट में नहीं आता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखें, हमने नया वाउचर बनाकर उसका उपयोग किया है, इसलिए यहाँ इनवॉइस नंबर 1 आ रहा है। आगे जब आप इस वाउचर का उपयोग करेंगे तो उसमें इसके बाद के नंबर्स आएंगे। चलिए अब हम अपने कस्टमर वासु ट्रेडर्स का भी इसी तरह का एक सेल्स बिल बना लेते हैं। बस यहां उसे डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। देखिए, यहाँ CGST और SGST की जगह अपने आप IGST कैलकुलेट हो गया है। यहाँ IGST इसलिए कैलकुलेट हुआ है क्योंकि ये बिल हम अपने प्रदेश के बाहर यानी इंटर स्टेट सेल का बना रहे हैं, जिसे हम आउट ऑफ स्टेट सेल्स भी कहते हैं। आइए अब हम इसे सेव कर लेते हैं और इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको नया वाउचर टाइप वाउचर क्लास लगाकर बनाना बताया, ठीक उसी तरह आप सेल्स, परचेज या अन्य कोई भी वाउचर टाइप वाउचर क्लास के साथ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और यदि आप चाहें तो टैली में पहले से बने किसी वाउचर को ऑल्टर करके उसमें भी वाउचर क्लास बना सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। उसमें हमने आपको बताया था कि यदि आप चाहते हैं कि वाउचर बनाते समय पार्टी अकाउंट नेम के आगे नाम सिलेक्ट करने के लिए जो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आती है उसमें सिर्फ सेल्स वाउचर से संबंधित जरूरी लेजर्स जैसे कस्टमर्स के कैश और बैंक अकाउंट्स ही दिखाई पड़े, यानी ऐसे नाम जैसे कि सप्लायर के नाम जिनकी सेल्स वाउचर में जरूरत नहीं होती है वो हट जाएं और शेष बचे हुए नाम यहाँ रहें, ताकि नाम की लिस्ट छोटी होने पर आप कम समय में अपनी जरूरत का नाम ढूंढ सकें। तो आइए समझते हैं कि ये काम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए गो टू पर जाना होगा। अब यहाँ ऑल्टर मास्टर पर जाकर एंटर प्रेस करें। अब वाउचर टाइप पर जाकर एंटर प्रेस करें। लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप में GST सेल्स पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए, वाउचर टाइप ऑल्टरेशन स्क्रीन आ गई है। हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं क्लास के आगे GST सेल्स लिखा है और उसके नीचे एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स और इंक्लूड दीज ग्रुप्स दो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। हमें इनमें से किसी एक का उपयोग करना है। एक्सक्लूड दीज ग्रुप से तात्पर्य है कि आप जो ग्रुप यहां सिलेक्ट कर लेंगे उन ग्रुप्स के अंडर में जो भी लेजर्स बने होंगे वो वाउचर बनाते समय आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में दिखाई नहीं पड़ेंगे। और आप चाहें तो इसकी जगह इंक्लूड दीज ग्रुप में वो ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके अंडर बने हुए लेजर्स आप वाउचर बनाते समय लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में देखना चाहते हैं। चलिए इसको
एक प्रैक्टिकल के साथ अच्छे से समझ लेते हैं। पहले हम एक्सक्लूड दीज ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमारे सप्लायर्स के लेजर्स होते हैं और सेल्स बिल बनाने में हमें उनके लेजर्स की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद हम एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे और एक के बाद एक दोनों स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब एस्केप की प्रेस करते हुए हम वापस वाउचर पर आ गए हैं। ये देखिए, हमें जीएसटी सेल्स वाउचर में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में सप्लायर्स के लेजर्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आइए अब गोटू पर चलकर फिर से जीएसटी सेल्स वाउचर को अल्टर कर लेते हैं। अब हम एक्सक्लूड दीज ग्रुप में कुछ भी नहीं ले रहे हैं और उसकी जगह पर इंक्लूड दीज ग्रुप में से वो ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं जिनके अंडर बनी लेजर्स हम वाउचर में देखना चाहते हैं। जैसे सन्ड्री डेटर्स, इसमें हमारे कस्टमर्स के लेजर्स होते हैं। इसी तरह हमें सेल्स बिल बनाते समय कई बार कैश या बैंक के लेजर सिलेक्ट करना होते हैं, जो कि कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट्स ग्रुप्स के अंडर बने होते हैं। तो यहां हम सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट्स ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अब एक के बाद एक स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे और अब एस्केप की प्रेस करते हुए वापस वाउचर पर चलते हैं। ये देखिए, अब सन्ड्री डेटर्स, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ग्रुप्स के अंडर जो लेजर्स बने हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे किसी भी ग्रुप जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर बने लेजर्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सरल शब्दों में, इन दोनों में से आप किसी भी एक का उपयोग करके वाउचर में अपनी जरूरत के लेजर्स रख सकते हैं और लिस्ट को छोटा कर सकते हैं। लिस्ट छोटी होने से किसी भी लेजर को नाम से ढूंढना आसान हो जाता है। ध्यान रखें, वाउचर क्लास में इस तरह से सिर्फ संबंधित लेजर्स रखने पर एक समस्या आ सकती है। वो समस्या क्या होगी वो समझ लेते हैं। प्रायः हम सेल्स वाउचर में अपने कस्टमर्स के लेजर्स ही सिलेक्ट करते हैं, पर कई बार हम अपने जिन सप्लायर से माल खरीदते हैं उन्हें माल बेचते भी हैं, और चूंकि हमने एक्सक्लूड दीज ग्रुप या इंक्लूड दीज ग्रुप्स के द्वारा सप्लायर्स के लेजर्स प्रतिबंधित किए हुए होते हैं, तो वाउचर बनाते समय यहाँ वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। और जब यहाँ सप्लायर के लेजर्स ही नहीं होंगे तो आप उनका सेल्स बिल कैसे बनाएंगे। ऐसी स्थिति में सप्लायर के बिल बनाने के लिए आपको एक्सक्लूड दीज ग्रुप में से सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप हटाना होगा या फिर इंक्लूड दीज ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप जोड़ना होगा, या फिर पहले की ही तरह एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स या इंक्लूड दीज ग्रुप्स को ब्लैंक रखना होगा। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखें, नए वाउचर बनाने के बाद भी आप टैली में पहले से बने हुए वाउचर का उपयोग पहले अनुसार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप वाउचर क्लास का उपयोग करके सेल्स और परचेस बिल बनाने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।